सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेगा टेक स्पॉट में स्वागत है। तो आज मैं आपको व्हाट्सएप के ऐसे 5 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छे हैं। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा इन ऐप्स के बारे में, इन फीचर्स के बारे में, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उन लोगों के लिए मैं आज बता रहा हूँ। और वीडियो को अंत तक देखिएगा जिसमें आपको सब फीचर्स के बारे में पता चल पाए और आप भी इनको यूज़ कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फीचर है हम लोगों का वो है, आप कभी भी देखेंगे जब भी आप किसी मैसेज को क्लिक करते हैं, जब चैट करते टाइम, तो वहाँ पे आपको ऊपर एक बार आता है, आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, उसमें एक स्टार रहता है। तो स्टार में जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार में क्लिक करने के बाद आपके वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट मैसेज में जाके सेव हो जाएगा वो मैसेज आपका। और अगर आपको देखना है वो मैसेज को तो आप जब चैट्स में वापस आएंगे वो 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे स्टार्ट मैसेज को देख सकते हैं, वहाँ पे स्टार्ट मैसेज में क्लिक करके, तो वहाँ पे आपके जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है वहाँ पे सब शो करेगा। तो जब वहाँ पे आप जो भी मैसेज डाल देते हैं, जैसे आपके जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह है आपको, तो वो नोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, अलग से वहीं पर आप अपने मैसेज को स्टार्ट करके डाल सकते हैं, जिसमें आपको ही मतलब परेशानी नहीं होगी मैसेज ढूंढने में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह है। तो ये एक मुझे अच्छा फीचर लगा, तो मैं सोचा आपसे शेयर कर लें। और जो एक दूसरा फीचर है वो आपका आ जाता है डार्क थीम का। जी हाँ, डार्क थीम अब आ गई है व्हाट्सएप में, और जो कि आपको चैट्स में जाएंगे, आप चैट्स में जाने के बाद आप थीम्स में जाएंगे, थीम्स में जाने के बाद आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन है सिस्टम डिफ़ॉल्ट का, सेकेंड ऑप्शन लाइट का, और थर्ड ऑप्शन है डार्क मोड का। जो थर्ड ऑप्शन आप डार्क में क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो आपकी डार्क थीम आ जाएगी व्हाट्सएप की, जो कि आप रात में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी थीम है व्हाट्सएप की और आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, रात में आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और जो दूसरा जो एक और है वो वहाँ पे पिन चैट्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे पिन चैट्स का जो ऑप्शन है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे पिन चैट्स में करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिन कर सकते हैं कोई भी चैट को, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप सोचते हो कि वो हमेशा टॉप में रहे, कि नीचे स्क्रोल नहीं करना पड़े मुझे बार बार, तो वो हमेशा आपके टॉप में रहेगी। आप तुरंत खोल के उनसे चैट कर सकते हैं, जो भी है आप वहाँ पर कर सकते हैं। और जो एक और जो ऐप है, एक और जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप वो स्टार के साइड में एक सिंबल देख सकते हैं, वो सिंबल इंफॉर्मेशन का है। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी आपके मतलब मैसेज वगैरह हैं, जिसने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो आपके सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जैसे ये सपोज़ आपके लिए बहुत अच्छा है जब आप ग्रुप में हैं, जैसे कोई ग्रुप है आपका, वहाँ पे आपके देखना है आपने कोई भी मैसेज भेजा है, तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन में देखेंगे आपके जिसने जिसने मैसेज आपका पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है मैसेज। तो ये काफ़ी अच्छा एक मुझे लगा एक फ़ीचर जो व्हाट्सएप ने दिया है, और बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे, बहुत से लोग अब यूज़ भी करने लगेंगे ये वीडियो देख के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक फ़ीचर इसका, तो मैं आपसे सोचा शेयर कर लेते हैं इसको भी। और एक जो लास्ट फीचर जो आपको मैं बताना चाह रहा था, वो जो फीचर है वो है व्हाट्सएप का 8 people calling। जी हाँ, आप 8 लोग बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में, पहले 6 था, और अब अपडेट करेंगे आप भी अपना फ़ोन तो आपको भी आ जाएगा ये फीचर। अगर आप अपडेट करने के बाद उसको करेंगे तो अब 8 लोग बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ये अभी आया है 20 अप्रैल को शायद 2020 साल में, और ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे, अब बड़े 8 लोग बात कर सकते हैं बढ़िया। तो जी हाँ, ये मेरे कुछ शेयर करने थे फीचर्स व्हाट्सएप के, जो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। और चलिए अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।